हेलो दोस्तों, आज हम सोल लैंड एपिसोड 224 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है, हमें मार्शल जीलांग को दिखाया जाता है और वो सभी को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। इसके बाद जैसे ही मार्शल टियांडो आर्मी को अटैक करने के ऑर्डर देते हैं, तभी मार्शल एम्पायर की ओर से एलिफेंट क्लैन की चीफ अपनी आर्मी के साथ बैटल में उतर जाता है। एलिफेंट क्लैन की चीफ को बैटल में उतरता देखकर मार्शल जीलांग कहते हैं, अगर हमारे आर्मी सीधे उनकी सोल मास्टर के साथ लड़ती है तो हमारे जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब जैसे ही टियांडो घुड़सवार सेना मार्शल सोल एम्पायर की घुड़सवार सेना आपस में टकराती है, तभी टैंक सेक्ट के डिसेबल क्रॉसबो को लॉन्च कर देते हैं, पर मार्शल सोल एम्पायर के घुड़सवार सेना अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है, जिस वजह से उनकी घुड़सवार सेना को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाती है और एलिफेंट क्लैन की मजबूत डिफेंस के कारण उन्हें भी क्रॉसबो से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद एलिफेंट क्लैन की चीफ अपनी सोल मास्टर के साथ टियांडो आर्मी पर अटैक करते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, हमारे दुश्मन हमारा पावरफुल डिफेंस को कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, इसके अलावा भी वह हम से टकरा कर मारा जाएगा। अब जैसे ही टियांडो आर्मी के घुड़सवार सैनिक एलिफेंट क्लैन की डिफेंस से टकराते हैं, तो इसके झटके से बहुत दूर जाकर गिरते हैं और इसमें बहुत से टियांडो आर्मी घायल हो जाती है। और फिर तुरंत मार्शल जीलांग कहता है, अगर अभी हम एलिफेंट क्लैन की डिफेंस से टकराते हैं तो हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसके बाद तुरंत ही ग्रैंड मास्टर को दुश्मन टीम की कुछ कमजोर नजर आती है और फिर तुरंत वह इसके बारे में टैंक्शन को बताते हुए कहते हैं, दुश्मन टीम के फ्रंट लाइन ट्रूप्स अपनी पतगा का संकेत दिखा रहे हैं। अब टैंक्शन ग्रैंड मास्टर के बातों को समझ जाता है और फिर तुरंत एलिफेंट क्लैन की चीफ पर अटैक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में ग्रैंड मास्टर टैंक्शन को समझाते हुए कहती है, मार्शल सोल एम्पायर को हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बबीडोंग अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रैंड सोल मास्टर को जरूर भेजेगी। अब एलिफेंट क्लैन की चीफ टैंक्शन की हाथों मारा जाएगा। बबीडोंग अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहेगी, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन टैंक्शन है, इनको मारना हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए। जब टियांडो आर्मी टैंक्शन को बचाने की कोशिश करेगा, तभी हमें टैंक्शन पर अटैक करना है। लेकिन जब टैंक्शन एक और सोल मास्टर को मारने जा रहा होता है, तभी फाइनली बबीडोंग बैटलफील्ड में उतर जाती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हमें टैंक्शन और बबीडोंग के दरमियान बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं एपिसोड को नोवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करना। यहाँ पर हमारा ट्रेलर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब